दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी जगह की सैर पर जहां पर आपको मिलने वाली है बहुत सारी फ्रीडम। जी हाँ, ये फ्रीडम क्या है ये तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आने वाला है बहुत सारा मजा। ये जगह अपनी खूबसूरती के साथ साथ कुछ ऐसी चीजों के लिए जानी जाती है जो दुनिया के कई देशों में बैन है, लेकिन यहाँ पर होती है खुल्लम खुल्ला। दोस्तों यहाँ की नहरें बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की नहरें यहाँ की रोड का काम करती है। इसी के साथ दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाला हर वो इंसान यहाँ से वापस नहीं जाता, बस यहीं पर रम जाता है। इस जगह पर है दुनिया का सबसे छोटा घर और सबसे बड़ा घर भी। इसी के साथ यहाँ पर है ढेर सारे संग्रहालय जहाँ पे मिलेगी आपको बेहद ही खूबसूरत मूर्तिकला और कलाकृतियाँ जिसे देखकर आप उसके दीवाने हो सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर है ढेर सारे चर्चेस जहाँ जाकर आप प्रेयर कर सकते हैं। और एक बहुत ही खास बात, यहाँ पर है प्रोस्टिट्यूशन लीगल, लेकिन उसके आड़ में होते हैं बहुत सारे काम, बताएंगे आपको वीडियो में आगे। तो चलिए दोस्तों हो जाइए सवार हमारी इस मोटर गाड़ी पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों आज हमारा सफर जा रहा है एम्स्टर्डम की ओर, जो कि है नीदरलैंड की राजधानी। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है, सबसे आबादी वाला शहर भी है दोस्तों ये। यदि आप खूबसूरत नहरों, ऐतिहासिक अट्रैक्टिव पॉइंट्स, दिलचस्प संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए। इस शहर को कई बार जो देख चुका है वो यही कहेगा कि भीड़ भाड़ के बावजूद एम्स्टर्डम यूरोप में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अगर आपने कभी हाउस बोट पर रहने का सपना देखा है तो यहाँ पर आकर वो सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है 165 से ज्यादा नहरें। आप शहर की सीमा से बाहर निकले बिना ही पूरा घूम लेंगे शहर को, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। 17वीं सदी के अनोखे घर, खूबसूरत पुल और शानदार लैंडमार्क म्यूजियम्स जैसी खास जगह को देखने का सबसे बढ़िया तरीका है ये नहरें और इस पर होने वाली बोटिंग। नहरों के शहर में नाव पर रहना आम बात नहीं है, नहर क्रूज पर आम जगह भी देखेंगे। आपको एम्स्टर्डम के लोग पानी पर अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हुए देखेंगे। सबसे छोटा घर एम्स्टर्डम में ही है दोस्तों। हालांकि ये सबसे छोटा घर होने के बावजूद यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी इमारतें भी देखने का मौका मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों आपको पता है एम्स्टर्डम में फूल का बाजार भी है जो कि तैरता हुआ है। ये बाजार तब स्थापित किया गया जब व्यापारी अपने माल को बजरे के जरिए शहर में लाते थे, लेकिन आजकल इसे स्थित बाजारों पर सुरक्षित रखा जाता है। फिर भी इसे शहर के सबसे जीवंत और खूबसूरत सुगंधित हिस्सों में से एक माना जाता है। फूलों का बाजार हर हफ्ते मंडे टू सैटरडे खुलता है, चाहे वो बारिश हो चाहे धूप, हमेशा आपको ये बाजार सजा दिखेगा। मजेदार बात एक और है दोस्तों, एम्स्टर्डम में स्टॉक एक्सचेंज है जो 1602 में खुला था, दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, ये आज भी यहाँ संचालित होता है। इसके सामने आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाहर वाली स्ट्रीट की जॉर्जिक बुल प्रतिमा नजर आ जाएगी, हालांकि ये कॉपी है लेकिन है तो वैसी ही। इसी के साथ दोस्तों आपको पता है इस देश में या इस शहर में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, काफी फेमस है प्रोस्टिट्यूशन यहाँ का। जी हाँ, वर्ल्ड फेमस, दूर दूर से लोग प्रोस्टिट्यूशन का मजा लेने के लिए आते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि जो अपने देश में नहीं कर पाते वो यहाँ आकर करते हैं। इसी के साथ एक और चीज है जो कि लीगल है, वो है गांजा। आप यहाँ पर एक निश्चित मात्रा में खुलेआम गांजा ले सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लोग एज ए टूरिस्ट यहाँ पर सेक्स और गांजे का मजा लेने आते हैं। आपको पता है यहाँ पर थिएटर्स हैं जिन्हें सेक्स थिएटर्स कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर सेक्स शोज भी होते हैं जिसे देखने के लिए यहाँ भीड़ लगती है। हालांकि रेड लाइट एरिया को आप फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो यहाँ जरूर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत जल्द ही यहाँ की गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि हमारा टूरिज्म कहीं ना कहीं सेक्स और गांजे के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए यहाँ के मेयर ने साफ कहा कि हम उन लोगों का स्वागत करते हैं जो हमारी देश की खूबसूरती, हमारे म्यूजियम्स, हमारी नहरें देखने के लिए लाना चाहते हैं। जो सेक्स और गांजे की तलाश में आते हैं उन लोगों का स्वागत हम बिल्कुल नहीं करते। और हाँ, एक बात और है इस जगह पर, कॉफी शॉप्स। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 160 कॉफी शॉप्स है
लेकिन ये कॉफी शॉप्स वैसी नहीं है जैसी आपको लग रही होंगी। दरअसल यहाँ पर चाय और कॉफी तो मिलती ही है, लेकिन उसी के साथ कैनबिस उत्पाद भी मिलता है, यानी गांजा, यहाँ के लोकल लोगों को भी और टूरिस्ट को भी। इसी के साथ दोस्तों बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट्स ने लगा दिए हैं। हालांकि अब ये देश उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं होता सेक्स को लेकर जितना पहले हुआ करता था। सीरियसली दोस्तों, एम्स्टर्डम बहुत खूबसूरत है और यहाँ की जगह भी बहुत खूबसूरत है, बस आपको नजर चाहिए इसे देखने की। आई होप दोस्तों आप इस जगह पर जरूर आएंगे और जो हम बता रहे हैं वहाँ जरूर एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं कुछ खास जगहों की सैर पर जो है बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों ये है एनी फ्रैंक हाउस। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध होलोकास्ट पीड़ितों में से एक के बहुत ही छोटे जीवन को समर्पित है। ये वास्तविक घर है दोस्तों, जिसमें एनी का परिवार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान छिपा रहा था। फ्रेंच जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट से आए यहूदी शरणार्थी थे और यहीं पर एनी ने डायरी लिखी थी, जो युद्ध के बाद इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। ये डायरी युद्ध खत्म होने के ठीक 2 महीने पहले यानी कि 15 साल की उम्र में उनकी मृत्यु के कुछ साल के बाद प्रकाशित हुई। अधिकांश हिस्सा वैसा ही रखा गया है जैसा कि एनी के समय में था। इतिहास के दुखद दौर के लिए यहाँ पर लोग आते हैं उसे जानने के लिए। यहाँ पर टिकट लगती है दोस्तों, इसे जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। दोस्तों ये है जॉर्डन। जॉर्डन एम्स्टर्डम में सबसे लोकप्रिय इलाकों में से एक है। ये अपने आवासीय क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। बगीचों के आंगन, जीवंत बाजार, शानदार बुटिक्स, बेहतरीन खाना, और क्या चाहिए आपको यहाँ। खूबसूरत सड़कें हैं जिस पर आप टहल सकते हैं। इसी के साथ ही बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये है राइक्स म्यूजियम। एम्स्टर्डम के सबसे लोकप्रिय अट्रैक्टिव पॉइंट्स में से ये एक है। इसकी स्थापना 1798 में की गई थी। यहाँ दुर्लभ कला और पुरावशेषों के विशाल संग्रह देखने को मिलेंगे। संग्रहालय के प्रभावशाली संग्रह में 13वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक समय तक की 10 लाख सांस्कृतिक कलाकृतियां मौजूद हैं। 35,000 से ज्यादा किताबें हैं। पांडुलिपियों की एक अच्छी लाइब्रेरी है। नीदरलैंड में कला और संस्कृति के विकास से जुड़ी कई अट्रैक्टिव पॉइंट्स प्रदर्शनियां आपको मिलेंगी। यहाँ पर पारंपरिक हस्तशिल्प, मध्ययुगीन मूर्तिकला और आधुनिक कला की शैलियां भी देखने को मिलेंगी। इसी के साथ थीम वाले अंग्रेजी भाषा निर्देशित पर्यटन उपलब्ध हैं। विशेष अनुभव के लिए आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। दोस्तों दिस इज डैम स्क्वायर। डैम स्क्वायर एम्स्टर्डम के सबसे ज्यादा पर्यटकों से भरे इलाकों में से एक है। इसकी एक अच्छी वजह ये भी है कि ये काफी प्रसिद्ध जगह है। 17वीं सदी का रॉयल पैलेस है ये, जो पहले डच शाही परिवार का था और अब शाही समारोह के लिए इसने स्थान लिया है। न्यू चर्च, मैडम तुषार, साथ ही मोम म्यूजियम तथा राष्ट्रीय स्मारक प्रतिमा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी जान गंवाने वाले डच सैनिकों को समर्पित है, ये यहाँ का पर्यटक केंद्र है। आपको यहाँ पर कई कैफेज, रेस्टोरेंट और दुकानें मिलेंगी जहाँ आप अपने नियर एंड डियर के लिए कुछ ले सकते हैं। साथ ही फेरिस व्हील भी यहाँ मिलेगा, जो एक अलग ही आपको एक्सपीरियंस देगा। दोस्तों ये है वोंडल पार्क। जी हाँ, अगर आप परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं तो इसे जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। एम्स्टर्डम का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पार्क है ये वोंडल पार्क। 120 एकड़ में फैला है और इसमें करने के लिए ढेर सारी मजेदार चीजें हैं। तालाबों और पर्याप्त रास्तों से घिरे हरे भरे क्षेत्र में आप आराम कीजिए। पार्क में सुंदर गुलाब का बगीचा देखिए, 70 से ज्यादा अलग अलग तरह के फूल मिलेंगे। रोलर ब्लेड किराए पर लेने की सुविधा है यहाँ पर, और हाँ ओपन एयर थिएटर भी है। मई से सितंबर तक संगीत और यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पिकनिक के लिए ये जगह बेस्ट है दोस्तों। दोस्तों दिस इज रॉयल पैलेस। दोस्तों 1648 में जब इसका निर्माण शुरू हुआ था तो ये एक बहुत बड़ा काम था, और दोस्तों विशाल संरचना को सहारा देने के लिए 13,659 खंभों को यहाँ पर लगाना पड़ा। प्राचीन रोम की वास्तुकला पर आधारित बाहरी हिस्सा पूरी तरह से शास्त्रीय है, जबकि अंदर का हिस्सा शानदार ढंग से बनाया गया है। बहुत सारे अट्रैक्टिव पॉइंट्स भी हैं। सिटी ट्रेजर का कमरा शामिल है इसमें। संगमरमर की चिमनी और कॉर्नेलिस होलस्टेन द्वारा बनाई गई छत की पेंटिंग्स। दोस्तों अब एम्स्टर्डम में हैं तो चर्च तो जाना बनता है। एनी फ्रैंक संग्रहालय के बगल में स्थित एम्स्टर्डम का वेस्ट चर्च शहर में घूमने के लिए लोकप्रिय चर्चों में से एक। खूबसूरत इतना कि देखते रह जाएं। 1630 में बनकर यह तैयार हुआ और बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है। आपको पता है
कई आंतरिक और बाहरी गॉथिन विशेषताएं हैं इसमें। लेगर जॉन के नाम से इसे जाना जाता है। शहर में सबसे ऊंचा है ये। शिखर के सिरे पर सम्राट के मुकुट की एक बड़ी सी प्रतिकृति है, जिसे ऑस्ट्रिया के सम्राट मैक्सिमिलियन की याद में वहां रखा गया था। टावर के अंदर एक कैरिलन घंटों की घोषणा करता है। बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है। 1622 का एक बेहतरीन ऑर्गन इसमें शामिल है। साइट पर एक गिफ्ट की शॉप भी है, जहाँ से आप अपने नियर एंड डियर के लिए कुछ ले सकते हैं। आई नो दोस्तों, ये खूबसूरत जगह आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। इसी के साथ जल्दी वापस आएंगे एक और नई खूबसूरत सफर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।